अब आप मेरे को, मैंने मेरे को बदनाम करते नहीं, हिंदू भाइयों के खिलाफ है, मैं आज तक किसी मजहब के खिलाफ बोला नहीं, ना कभी बोलूंगा, ना मेरी फितरत में है। मगर हम ये पूछना चाह रहे कि टीआरएस वालों को भी अकल नहीं है आजकल, यानी टीआरएस वालों को ये पूछना चाहिए था कि कल भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आकर ये बोले कि हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी का नाम बदल दिए, बदले ना उन्होंने बदले, उनको मालूम क्यों बदले, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल दिए और उन्होंने सेक्रेटेरिएट को नहीं जाते, क्यों, क्योंकि उनको एक तांत्रिक बोल दिया करते, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बोले। अगर वो बात मैं बोलता तो देखो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दिए, अब फाइनेंस मिनिस्टर ये बोले तो टीआरएस वालों को बोलना चाहिए बीजेपी को, तुम हिंदू धर्म के खिलाफ है क्या, क्या मोदी नहीं जाते तांत्रिक के पास, बोल दो आप नहीं जाते बोल के, टीआरएस को ये बोलना चाहिए था, मगर बोले ही नहीं कि नहीं उन्होंने वो ब्लैक मैजिक, वो क्या कि जादू करते। अरे भाई टीआरएस वालों को बोलना चाहिए कि आप ठेका लेकर रखे हिंदू धर्म का, उन्होंने बोल के चले गए ये बेचारे टीआरएस वाले अपनी गाड़ी में बैठे हुए खाली। अरे जवाब दो इनका आप, और जवाब इस तरीके से दो कि उनको बताओ आप क्या है, क्या उनका ठेका लेके बैठे सब चीजों का। फाइनेंस मिनिस्टर आके एक बात बोल के चले गए चीफ मिनिस्टर के बारे में, तांत्रिक बोला रहे भाई पार्टी का नाम आपके, आपकी पार्टी का नाम क्या था, आप पहले जनता पार्टी में थे फिर बीजेपी बनी, तो क्या आप भी क्या वो करे क्या है? तो ये इनकी चीजें हैं। तो बहरहाल जोहर का वक्त हो चुका है, बस आपसे यही गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए और पार्टी इसकी मजबूत करिए। मैं जो आपको वोटर लिस्ट के बारे में कहा उस पर खास तौर से गौर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।